इतना तो हम सभी जानते हैं कि हमारी ये पृथ्वी दो हिस्सों या फिर कहें दो दुनिया में बटी हुई है, एक वो जहां हम इंसान रहते हैं और एक वो जो इस विशाल समुद्र में पाई जाती है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि हमारी इस पृथ्वी पर एक तीसरी दुनिया भी है, जिसे इस यूनिवर्स ने अपने अंदर बेहद ही सुरक्षित तरीके से संजोए रखा है। तो आज हम आपको प्रकृति के इसी तीसरे हिस्से से रूबरू करवाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का ही बोलबाला है। ये एक जंगल है, इस जंगल के अंदर कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेहद ही डरावने जीव जरूर पाए जाते हैं, जिनको आप अपने सामने बिल्कुल भी देखना नहीं चाहेंगे। किसी इंसान ने सच ही कहा था कि स्वर्ग और नर्क धरती पर ही है, बस उसे खोजने और महसूस करने की जरूरत है। यहाँ पर उपस्थित हर जानवर अपने में ही बेहद खास है और यहाँ जिंदा रहने के लिए हर दिन जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। यहाँ पर स्वर्ग और नर्क की बात हमने इसलिए की है क्योंकि ये जगह दिखने में जितनी सुंदर और खूबसूरत है, उतनी ही भयानक और डरावनी भी है। इस जगह का नाम है अमेजन रेन फॉरेस्ट। इसका नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आप में से इसको देखा किसी ने नहीं होगा। इस जंगल के रहस्यों को जानने में वैज्ञानिकों को अभी तक सिर्फ 20% ही सफलता मिल पाई है, जबकि यह जंगल आसमान या समुद्र में ना होकर धरती के समतल भाग पर ही है। फिर भी लोग इस जंगल के रहस्यों के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो पर अमेजन जंगल के कुछ खास रहस्यों को बताने वाले हैं, जिनको जानकर आप एक वक्त के लिए हैरान जरूर हो जाएंगे और आपका नॉलेज भी इस जंगल को लेकर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अमेजन जंगल के रोचक रहस्यों को जानने से पहले इस जंगल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्यों अमेजन जंगल को अमेजन रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? इस जंगल का कुल क्षेत्रफल 70,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 9 देशों की सीमाओं तक फैला हुआ है। इन जंगलों का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा गुयाना, इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनामा और फ्रेंच गुयाना तक फैला है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जंगल जितनी जगह में फैला हुआ है, उतने में यूनाइटेड किंगडम जैसे 20 से अधिक देश और बसाए जा सकते हैं। वैसे तो ये जंगल हम इंसानों से कुछ भी लेता नहीं है, जबकि बदले में ये हम इंसानों को वो देता है जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, और वह है ऑक्सीजन। आपको बता दें, इस पूरी दुनिया में जाने वाली 20% से अधिक शुद्ध और साफ हवा इसी जंगल से मिलती है, इसलिए इसको धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन जंगल में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे अधिक वर्षा होती है। आपको बता दें, पूरे साल में शायद ही ऐसा कोई हफ्ता गुजरता होगा जब यहाँ इस जंगल में बारिश ना होती हो, इसलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अमेजन जंगल के बीचों बीच एक नदी भी बहती है, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी माना जाता है, क्योंकि इसकी 1500 से अधिक सहायक नदियां हैं और इसकी कुल लंबाई 6400 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि अमेजन जंगल की तरह 9 देशों को छूकर बहती है। ये तो हो गई अमेजन जंगल के बारे में कुछ खास बातें। अब हम आपको इसके कुछ खास रहस्य भी बताते हैं, जिसमें से सबसे पहला है जहरीले मेंढक। बरसात के मौसम में मेंढकों को आपने कई जगह पर देखा होगा और शायद कई लोगों ने इसे हाथ में लेकर भी देखा होगा, लेकिन अमेजन जंगल में जाने पर ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस जंगल में पाए जाने वाले मेंढक बहुत ही जहरीले हैं। अमेजन जंगल या फिर कहें इस पृथ्वी में सर्वाइव करना बेहद मुश्किल है, इसलिए प्रकृति ने सभी जानवरों को कुछ न कुछ खास चीज जरूर दी है, जिससे वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। जैसे कि इस जंगल में पाए जाने वाले ये खास मेंढक, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं, लेकिन ये खतरनाक भी उतने ही ज्यादा हैं। दरअसल पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से फेमस ये मेंढक इतने जहरीले हैं कि अगर कोई इन्हें मात्र छू भी ले तो उसकी जान जा सकती है। बताया जाता है इन मेंढकों की त्वचा में बहुत ही घातक जहर होता है, जिससे शिकारी जानवर भी इस मेंढक से दूरी बनाए रखते हैं। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जो मेंढक जितने ज्यादा कलर का होगा, उसमें जहर भी उतना ही खतरनाक होगा। इसका मतलब जो मेंढक जितना ज्यादा चमकीला और सुंदर दिखाई दे रहा है, वो उतना ही जहरीला है। कहा जाता है अगर ये मेंढक गलती से किसी को काट ले तो उसको लकवा मार जाता है, और सही समय पर इलाज न मिले तो उसकी मौत भी हो जाती है। खौलती हुई नदी। वैसे तो किसी भी नदी का पानी बहुत ही शीतल और पीने योग्य माना जाता है, और घूमने आए लोग नदी का पानी पीकर प्यास भी बुझाते हैं,
लेकिन अमेजन जंगल के एक हिस्से में उपस्थित इस नदी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस नदी का पानी शीतल नहीं है बल्कि खौलता हुआ पानी बहता है। आपको बता दें, इस नदी का नॉर्मल टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहीं कहीं पर 110 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। इस नदी का पानी कितना गर्म होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें बड़े आराम से चाय और अंडे उबाले जा सकते हैं, और यही वजह है कि इसको खौलती हुई नदी यानी कि बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। ये नदी 20 फीट गहरी होने के साथ साथ 82 फीट चौड़ी और 6.4 किलोमीटर लंबी भी है, जो कि 365 दिन और 24 घंटे खौलती रहती है। इस नदी का पानी इतना ज्यादा गर्म है कि यहाँ पर घूम रहे जीव जंतुओं के लिए किसी मौत के कुएं से कम नहीं है, क्योंकि अगर कोई जानवर गलती से भी इस खौलती नदी में गिर जाता है तो उसका शरीर बुरी तरह झुलस जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि सर्दियों में भी इस नदी का पानी बराबर टेम्परेचर पर खौलता रहता है। और ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है कि आखिर ऐसा क्यों है। बुलेट आंट चींटियां तो आपने अपने घरों में बहुत देखी होंगी, लेकिन इस जंगल में पाई जाने वाली चींटियां घरों की चींटियों से बहुत ही अलग हैं, बल्कि चलती फिरती बुलेट है। अगर ये किसी को गलती से भी डंक मार दें तो वो किसी जहर से कम नहीं होता। शोधकर्ताओं का तो यहां तक कहना है कि अगर ये चींटी किसी को काट लेती है तो ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे किसी ने बंदूक से गोली मारती हो, और यही कारण है कि इनको बुलेट आंट कहते हैं। अगर ये चींटियां किसी इंसान को काट लेती हैं तो 24 घंटे तक उसका जहर बना रहता है। मूविंग ट्री, इस अमेजन जंगल में करीब 16,000 पेड़ों की प्रजातियां और 4 अरब पेड़ों का घना जंगल है। इस जंगल में पेड़ पौधे एक दूसरे के ऊपर इस कदर लदे हुए रहते हैं कि सूरज की रोशनी को भी हजारों वर्षों से जमीन पर नहीं पड़ने दिया है, जिससे दिन के समय में भी इस जंगल में भयानक अंधेरा बना रहता है। और इस जंगल के घने होने का एक सबूत ये भी है कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो उस पानी को जमीन तक पहुँचने में करीब 10 मिनट का समय लग जाता है। यहाँ पर देखे जाने वाले बहुत से पेड़ों की सबसे विचित्र और अविश्वसनीय बात ये है कि यहाँ पेड़ इंसानों की तरह चलते फिरते हैं। दरअसल ये पेड़ धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकते रहते हैं। कहा जाता है कि जिस तरफ सूरज की रोशनी ज्यादा आती है ये पेड़ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं, और इसी के साथ उनकी जड़ें भी आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। इसी वजह से इन पेड़ों का आकार कुछ इस प्रकार का नजर आता है। बेशक इन पेड़ों के चलने की स्पीड बहुत ही स्लो होती है, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि ये पेड़ अपना स्थान बदलकर एक जगह से दूसरी जगह खिसकते रहते हैं। खतरनाक मकड़ियां, आपको बता दें कि अमेजन जंगल में 3,000 से भी अधिक मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और इनमें से अधिकांश बेहद जहरीली होती हैं, जिनके काटने पर इंसान के शरीर पर तुरंत लकवा लग जाता है और इंसान का पूरा शरीर कुछ ही पलों में पैरालाइज हो जाता है। अक्सर हमारे घरों में जो मकड़ियां पाई जाती हैं उनका साइज आधे इंच से भी कम होता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी रिसर्च के दौरान उन लोगों ने लगभग 6 फीट के आकार जितनी मकड़ियों को देखा है जो अन्य जीवों को सीधा निगल जाती है। टेरनोला स्पाइडर के बारे में सुनकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। यह इतनी खतरनाक मकड़ी है कि अगर ये किसी को काट ले तो उसे ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये मकड़ी बहुत जहरीली होती है और काफी बड़ी मात्रा में जहर छोड़ती है। ये अपने शरीर के बालों को इतने जानलेवा तरीके से इस्तेमाल करती है कि इसका वार किसी तीर से कम नहीं होता है। अगर ये भूल से भी आंखों में लग जाए तो आंखें बुरी तरह जख्मी हो जाती हैं। भयानक सांप, एक सांप जो इतना जहरीला होता है कि हर इंसान उससे डरता है। सांप से डरने का कारण उसके आकार से नहीं बल्कि उसमें पाए जाने वाले जहर से है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस जंगल में एक सांप ऐसा भी पाया जाता है जो जहरीला तो नहीं है लेकिन आकार में इतना बड़ा है कि वो बड़े से भी बड़े जानवरों को आसानी से अपना भोजन बना लेता है। कहते हैं कि इस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जिसे टाइटानोबोआ कहते हैं, वो आज भी जिंदा है। ये सांप इतना बड़ा है कि उस समय के डायनासोर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि ये सांप 160 फीट लंबा है और इसका मुंह 6 फीट लंबा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक अमेजन के जंगल के रहस्यों को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। यहाँ पर कोई भी जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं है। ये जंगल खूबसूरत जीव से लेकर खतरनाक जीवों से भरा पड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि इस जंगल में आज भी एलियन का बसेरा है जो कि इस जंगल पर राज करते हैं, क्योंकि एलियंस के लिए ये जंगल बहुत ही सेफ है
लेकिन अगर ऐसा है तो हम सेफ नहीं हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्स अभी भी हम मनुष्यों से बहुत कुछ छुपाकर इस पृथ्वी पर रखे हुए है जिसके बारे में हम नहीं जानते। शायद इसलिए कि मनुष्य का प्रकृति के साथ हर मामले में हस्तक्षेप करना प्रकृति को पसंद नहीं है। उसी का एक उदाहरण ये जंगल है। इस जंगल में जितने भी जीव पाए जाते हैं यहीं पैदा होते हैं और यहीं मर जाते हैं। इंसानों से दूर इस प्रकृति के तोहफे को इंसान फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी इस जंगल को चोरी छिपे काटा जा रहा है। दोस्तों, ये हमारी वीडियो का पार्ट वन था जिसमें हमने इस अमेजन जंगल के कुछ थोड़े से रहस्य आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते हैं तो हम आपके लिए पार्ट टू भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे जिसमें हम आपको इस जंगल के और भी खतरनाक रहस्यों को साझा करेंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और जाते जाते सब्सक्राइब बटन पर भी एक उंगली टच करते जाइएगा जिससे इसका भी कलर चेंज हो जाए और आप हमारे चैनल के साथ आगे भी इसी तरह जुड़े रहें। और अगर आप टोमेटो केचप को लेकर थोड़ा ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। टोमेटो केचप कैसे बनाया जाता है पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।